नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द टेक टॉक्स। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले YouTube के एक नए पॉलिसी के बारे में, जो कि है 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स की। तो दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग नए यूट्यूबर्स रह गए तो आप लोगों को डर लगा रहेगा ये पॉलिसी सुनकर कि 4000 वॉच आवर्स मेरे कैसे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कैसे आएंगे। तो दोस्तों, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सबका यही डर मिटाने के लिए। तो हम अब जाते हैं एक साल पीछे, यानी कि 2017 में। तो 2017 में जो पॉलिसी थी YouTube ने लाई थी वो थी 10,000 व्यूज़ की। तो 10,000 व्यूज़ लाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आप लोगों ने आपका वीडियो कुछ थोड़े बहुत दोस्तों में शेयर कर दिया और आपके 10,000 व्यूज़ तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो अगर हम 2016 में जाए, यानी कि एक साल और पीछे जाए, तो 2016 में कोई पॉलिसी नहीं थी। तो YouTube ने ये पॉलिसी क्यों लाई है मोनेटाइजेशन के लिए? तो दोस्तों, अभी कुछ नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो कंटेंट डालते हैं वो यूट्यूब के पॉलिसी गाइडलाइंस के खिलाफ रहता है। तो होता क्या है, इन चंद लोगों के वजह से हम जैसे काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स या फिर जो अच्छा कंटेंट दिखाना चाहते हैं यूट्यूब पे, उन सब का प्रॉब्लम हो जाता है। और कुछ लोग का तो पेट भी चलता है यूट्यूब पे। तो होता क्या है, अभी वो थोड़े बहुत यूट्यूबर्स ने हमारे वो थोड़े बहुत यूट्यूबर्स ने कुछ वीडियोज़ डाल दिए और पॉलिसी गाइडलाइंस के खिलाफ चले गए वो वीडियोस। तो प्रॉब्लम हो गया किसको भाई, हम जैसे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो खैर, ये अलग बात है। तो अब हम फोकस करते हैं फिर से एक बार 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स पे। तो दोस्तों, अब अगर आप 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स जो है कुछ समय में लाना चाहते हो, तो मेरी राह ये है कि आप जो भी कंटेंट बनाओगे वो अच्छा कंटेंट रहने दो। यानी कि कोई अगर देखेगा वीडियो तो भाई उसको वो वीडियो जो है वो पसंद आने दो। यानी कि वीडियोस कम से कम 5 मिनट से ऊपर ही रहने दो। मतलब होगा क्या, अगर आपके 1000 दोस्त लोग या फिर 1000 व्यूवर्स है एक टाइम पे देख रहे, तो 5000 मिनट्स वहाँ पर हो गए। फिर आप वो जो है कैलकुलेशन लगा सकते हो, उसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, होगा क्या कि आपके जो 4000 वॉच आवर्स है वो थोड़ा बहुत टाइम लगा सकता है, पर 1000 सब्सक्राइबर्स तो आपके आ ही जाएंगे अगर आप वीडियो जो है वो कंटिन्यूस डाल रहे हो। यानी कि आप हफ्ते को या फिर रोज़ाना 2 या फिर 3 वीडियोस तो डालते रहोगे। तो होगा क्या कि जो आपके जो सब्सक्राइबर्स है उनको भी कुछ कंटेंट दिखने मिलेगा। और एक ध्यान रखिए कि ये जो कंटेंट रहेगा ना वो यूज़फुल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया कंटेंट और कोई भी आ रहा है देख रहा है, या फिर आपने आज एक वीडियो डाला और कल वो हिट होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत मतलब 1 in a million केस होता है ये। तो हम वो वन इन अ मिलियन केस पे जाएंगे ही नहीं। तो हम समझते हैं कि हम नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं, हम आज वीडियो डालेंगे तो कल तो हिट नहीं होने वाला है। तो फोकस रखो कि आज तुम एक वीडियो डाल रहे हो, कल थोड़े बहुत व्यूज़ आ गए उस पर, 50-100 व्यू आ गए। फिर जब आपके जब सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाएंगे तब आपके वॉच आवर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिए कि आप अच्छा कंटेंट दें और कंसिस्टेंट रहें। तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स की जो बात है वो 365 डेज के अंदर आपकी कवर होनी चाहिए। मतलब आपने जो लास्ट ईयर चालू किया था वीडियो, समझ लो हमने 1 जनवरी से वीडियो चालू किया है बनाने को, 1 जनवरी 2017 से वीडियो चालू किया है, और आज है समझो 1 जनवरी 2018। तो इस दौरान आपके 365 डेज के अंदर आपके 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। जैसे ही एक नया डेट बढ़ेगा आपका पिछले साल में से एक दिन घट जाएगा, यानी कि वो एक दिन का आपका जो सब्सक्राइबर काउंट रहेगा और आपके जो वॉच आवर्स रहेंगे वो माइनस कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपको जो ये पॉलिसी है, यानी कि 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स की जो पॉलिसी है वो हर 365 डेज में आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, इसी के लिए आपको अच्छा कंटेंट और कंटिन्यूस वीडियो डालते रहने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी चैनल पे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई एक नया वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। तो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।